अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बठिंडा के मलोट रोड बाईपास पुल के ऊपर एक नौजवान की लाश मिली। मृतक के सर पर गोली लगी थी। लाश के पास एक जिंदा कारतूस मिला। वारदात वाली जगह पर बठिंडा के डीएसपी सिटी गुरजीत सिंह रोमाना पुलिस टीम के पास पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस को मृतक की जेब से आधार कार्ड बरामद हुआ जिससे उसकी पहचान की गई। मृतक की रुपेंद्र सिंह लुधियाना का रहने वाला था और मृतक की उम्र 30 के करीब लगती है। सुबह एक इतला मिली थी कि एक डेड बॉडी है, रिंग रोड है हमारे यहाँ पे, डबली मलोट रोड के ऊपर रेलवे का ब्रिज है, वहाँ पे डेड बॉडी मिली है। वहाँ मौके पे पहुँच के जो अभी तक जो पता लगा है कि एक बुलेट इंजरी हुई है। मौके पे बुलेट भी है और आगे तफ्तीश जो जारी है। हाँ, डेड बॉडी को कब्जे में लेके अभी इसकी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है और जल्दी जो है आगे वाली इसका नाम और कहां का रहने वाला था। इस पे जो अभी तक इस पे डॉक्यूमेंट जो मिले हैं इसकी जेब में, उसमें रुपिंदर सिंह सन ऑफ बलविंदर सिंह, डाबा थाना है लुधियाना में, वहां का ये लड़का है। करीब इसकी एज 23 बस के करीब है। सर किस कंडीशन च पई सी डेड बॉडी, ये कितने फायर कितने लगे हुए? शुरुआती स्टेज पे अभी जो बुलेट इंजरी है जो अभी इस पे सिर पे लगी हुई है, लेकिन आगे तफ्तीश में ही जारी है। उसमें मार के सुट्टे लगता है जी, किसी तफ्तीश जारी है, इसमें जो भी कार्रवाई होगी। गाड़ी गुड्डी तो नहीं मिली है देखो, कार वगैरह तो नहीं कोई खड़ी से देखो, कोई नहीं खाली डेड बॉडी अकेली पड़ी। तो हम सर की कार्रवाई की जा रही है जी, सुबह लेटर नाइट की लगती है घटना। कार्रवाई सर की अपने वालों हूँ अमल चलाई जा रही है। हाँ, डेड बॉडी को कब्जे में लेके जो कार्रवाई है आगे वाली की जा रही है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।